एनडीएच न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साल 2010 की बात है जब बुर्ज खलीफा का निर्माण कर दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब अपने नाम किया। उस समय पूरा संसार इंजीनियरिंग के इस नायाब नमूने को देखकर हैरान रह गया। इसके बाद कई और देशों ने ऐसी कोशिश की, लेकिन 8 साल बीतने के बाद भी कोई दूसरा देश ऐसा नहीं कर सका। लेकिन आने वाले समय में इसकी जगह कोई और इमारत होगी, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जी हाँ, न्यूयॉर्क में अब दुनिया की सबसे लंबी इमारत बन रही है। यहाँ के इंजीनियरों ने ऐसा दिमाग लगाया है कि आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल बुर्ज खलीफा इमारत की ऊंचाई 828 मीटर है। इस इमारत के बनने के बाद जब अन्य देश इससे भी ऊंची इमारत बनाने की सोचने लगे, तो उस समय कई एक्सपर्ट्स की तरफ से कही गई ये बातें भी सामने आई कि अगर इससे ऊंची इमारत बनाते हैं तो यह खतरे से खाली नहीं होगा। यह चेताया गया कि इतनी ऊंचाई तक बिल्डिंग बनाने के लिए भारी भरकम सामान व बिल्डिंग मटेरियल कैसे इतनी ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। दरअसल ज्यादा ऊंचाई होने पर हवा का दबाव बढ़ जाता है, ऐसे हालात में लेबर के लिए काम कर पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन इन सारी मुश्किलों से पार पाने के लिए अमेरिका के इंजीनियरों ने अपना दिमाग लगाया और ऐसा मॉडल तैयार किया। इंजीनियरों ने इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर तैयार किया है उसे देखकर आप भी चक्कर खा जाएंगे। बिल्डिंग का आकार यू शेप का होगा। यह इमारत न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में होगी। इसका नाम द बिग बेंड होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह इमारत 2019 तक बनकर तैयार हो जाएगी। फिलहाल इसका डिजाइन पूरी तरह से बनाया जा चुका है। दुनिया की सबसे लंबी इस बिल्डिंग में कई ऐसे एलिवेटर भी लगाए जाएंगे जो घुमावदार हिस्से पर आसानी से काम कर सकेंगे। सबसे खास बात तो यह है कि ये बिल्कुल झूले के आकार में होंगे।